आपने अपने चैनल सब्सक्राइब किया तो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जेन्युइनली नहीं तो हमेशा इंटरव्यू में मैं आप लोगों को कहता हूँ जब काम अच्छा नहीं होता, हमारे शोज भी आते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब डायरेक्टर आके कहता है बहुत अलग फिल्म है, बहुत अलग शो बना रहे हैं, तो मैंने हमेशा इंटरव्यू में कहा कोई अलग नहीं है, वही होने वाला है और हो सकता है हम भी बोल रहे हैं, पब्लिक भी बोल रहे हैं, तो इतना ब्लंट हुआ है, ये जेन्युइनली बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और हम लोगों की जो पर्सनल लाइकिंग है राजपाल भैया के लिए और इनकी हमारे लिए रजनीश के लिए, वो सारी जो केमिस्ट्री है वो स्क्रीन पर नजर आएगी, आप देखना जेन्युइनली बहुत बढ़िया बढ़िया सीन्स हो रहे हैं और एक एक सीन पे हम लोग सब वर्क कर रहे हैं। बहुत दिन बाद माला माल जैसा बिल्कुल और मनोज जी के बारे में मनोज जी को इकट्ठा करने की बड़ी आदत है और अच्छे अच्छे लोगों को हमेशा जोड़ लेते हैं। ये हमारी इनके साथ दूसरी फिल्म है और इनको हम देखते फिल्म यस कर देते हैं क्योंकि इनकी बात बताता हूँ, मैं राजपाल का बहुत बड़ा फैन हूँ और सर कॉमेडी और लोगों को हंसाना सबका काम नहीं, और जब पहली फिल्म ये कर रहे थे तो छोटा सा रोल था और जब एक शॉट दिया इन्होंने चेन्नई में, उस वक्त मैं और प्रेम जी कोने में गए और प्रेम जी ने बोला कि ये कल का बहुत बड़ा सुपरस्टार है क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी, मैंने आज तक जिक्र नहीं किया। और एक और फिल्म थी उन्होंने रामू की थी जंगल, वो पिक्चर देखने के बाद मैं और सलमान खान शूटिंग कर रहे हैं, नाइट शूटिंग की हेलो ब्रदर, तो सलमान खान मेरे पास आए बोले वो विलन क्या होता है वो पिक्चर देख के हमने जंगल देख के उसमें से टिंगू सा एक्टर है, टिंगू सा उसको देखेगा ना तेरी हूँ हो जाएगी, ऐसा काम किया। मैं क्या नाम क्या है बोले राजपाल यार। तो उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा, काम चलता रहा, प्रियन की फिल्में दूसरी फिल्में काफ़ी फिल्में करते रहे और जब जब इनको देखता हूँ मैं खुश होता हूँ और सबको देखता हूँ खुश होता हूँ और कृष्णा धरती पे आ जाते हैं। हाँ, मतलब ये पूरी टीम और कहाँ गया वो हमारा मित्र, हमने थाईलैंड में शूटिंग कम की थी और दूसरे काम अच्छे अच्छे किए थे लेकिन साथ में कितने सम्मान की बात है, समबड़ी लाइक यू नो कैलिबर ऑफ द शक्ति कपूर अप्रिशिएटिंग ओवर, अब इतनी सराहना, इतनी हौसला अफजाई नहीं, ये तो बड़प्पन है भाई साहब का, जो विश्वदीप बाजी एक अपने आप में एक हिस्ट्री है और 700-800 फिल्मों का एक इसका इतिहास रहा हो 3 जनरेशन के साथ में। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि शक्ति बाजी का हम सबको ये आशीर्वाद मान सकते हैं। एंड मैं पहले मतलब राजपाल जी के साथ काफ़ी मतलब एक फिल्म ने किया है कृष्णा और मैंने अभी एक फिल्म खत्म की शादी हुई है, आई डोंट नो उसका हनीमून होगा नहीं होगा, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ी। बट गुजराती लड़की है और अपने पप्पा की बहुत लाडली है
एंड शादी हुई है उसकी, वो बेटी है, इसके आगे इसकी लाइफ में जो कुछ है हनीमून और कहानी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मनीष जी, उनका एक थॉट था जिसको मैंने उनके साथ मिलकर डेवलप किया। अच्छा थॉट था और थॉट इतना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया आदमी है मनीष जी। बेसिकली इनके दादाजी जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं और मैं आया हूँ मेरी बेटी की वजह से, कि मेरी बेटी और ये लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी के कदम मजबूत है जो आते ही दादाजी को खा गई है। ये सारी तो ये सारी फितरत है, ये जो मान्यताएं हमारे दिमाग में होती रहती है, नई नई जो घर में आती है और कोई जाता है तो उसी की वजह से हुआ या उसके पैर पड़ने से हुआ, उसके पैर बड़े भारी हैं, डायल है, ये है, वो सारी चीज़ें हम हटाना चाहते हैं। और बेसिकली टाइम नहीं है, ये फिल्म का नाम इसलिए ऐसे रखा गया है क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम बाकी नहीं है। आप देखो ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, जो है सारे लोग जो है अपने फ़ोन पे ही बिजी रहते हैं, बाजू में फोन बैठा है उसकी तरफ देखता भी नहीं। तो हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि भाई टाइम थोड़ा सा निकालो, आस पास कोई जो लोग हैं, क्या है हो रहा है आपके आस पास, वो ज़रा नज़रें उठा कर देखो, किसी की हमदर्द करो, किसी से प्यार करो, किसी से दो मिनट की बातें करो, तो क्या है कि ज़िंदगी किसी की बनेगी तो उसमें फोन आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं। फ़ोन से कुछ नहीं होता, फ़ोन में आप सब दिन भर देखते रहोगे उससे कुछ नहीं होगा। ओके, किसी का रोल है और जनरली कैसी फिल्म में पंडित जी का रोल एक सामान्य जैसा ही होता है या नहीं महत्वपूर्ण भी होता है, लेकिन इस पिक्चर में किसके बाल कटेंगे किसके नहीं वो सारी साजिश रचने में पंडित का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और मनोज जी के साथ आपने बहुत सारी फिल्में हो गई हैं आपकी, तो ये क्वेश्चन कैसे है? मनोज जी के साथ मेरी लगभग 9 फिल्में हो गई हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि अब ये शॉट लेंगे, अब ये लेंगे, फिर आप ये वाला ले लिया तो हम यही बाकी रह गया। तो कृष्णा के साथ हम शूट कर रहे थे तो मैंने कृष्णा को बताया, मैंने कहा अभी तुम्हारा आखिरी शॉट है, क्या बात है, मैंने कहा और वैसा ही हुआ, उनकी टेकिंग और उनका तरीका आपको पता लग गया तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती। हमने प्रैक्टिकल इसके अंदर जीवन का पहलू है जिसके अंदर किसी के पास टाइम नहीं है किसी के लिए भी, और फिल्म के अंदर आप कुछ भी सोचिए तो मैं कैसे बोलूँ आपको, बीच में लगे ये पारिवारिक टीम की फिल्म है, इसमें हमने पूरे परिवार को लेकर ये फिल्म बना रहे हैं और ये आपको फिल्म हंसते हंसते रुला देगी और इसकी कहानी शायद है पहली बार आई होगी पर्दे पे कि आपको देखने का भी मज़ा आएगा और पूरा कहानी ऐसा है कि आप लोगों के आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो। परिवार के लिए पारिवारिक स्वरूप को दिया बड़ा संयुक्त परिवार को, संयुक्त परिवार के हिसाब से पूरे परिवार को संयुक्त रूप से दिया गया है, उसके लिए हर आदमी का अलग अलग किरदार बने उसी हिसाब से इसको एक शेड्यूल हम उदयपुर में जरूर करेंगे, वो कुछ 5 से 7 दिन का रहेगा शूट और उदयपुर के अंदर जो हमारा प्रोड्यूसर का जो सबका व्यवसाय है मार्बल व्यवसाय से जुड़ी हुई इसके अंदर एक करेक्टर है एक दो, तो उसके लिए उदयपुर हमको शूट करेंगे और जो आज तक मार्बल का जो माइनिंग एरिया उदयपुर का कभी आया नहीं है तो पिक्चर के लिए सबसे नया होएगा।